जिला परिषद के बाद कांग्रेस ने अब जिलाध्यक्ष राजेंद्र मुलक के नेतृत्व में ग्राम पंचायत चुनाव में दमदार प्रदर्शन करते हुए जिले में अपना गढ़ और मजबूत कर लिया है। 129 ग्राम पंचायत के लिए हुए चुनाव में 127 के लिए वोटिंग हुई थी और दो में निर्विरोधी सदस्य चुन लिए गए थे। सुबह से ही काउंटिंग शुरू हुई, जैसे जैसे परिणाम सामने आते रहे जिले भर के कांग्रेसी खेमे में उत्साह का संचार होता रहा। अकेले कांग्रेस ने 83 ग्राम पंचायतों पर जीत का दावा किया है। एक कामठी विधानसभा क्षेत्र छोड़ दे तो 25 क्षेत्रों में 4 में कांग्रेस और एक काटोल में राष्ट्रवादी कांग्रेस ने लगभग एक तरफा कब्जा जमाया है। मुलक के नेतृत्व में पालक मंत्री नितिन राउत, खेल मंत्री सुनील केदार और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने एकजुट होकर यह सफलता अर्जित की है और भाजपा द्वारा कब्जा जमा लिए गढ़ को वापस छीन लिया है। संपूर्ण महाराष्ट्र मध्ये ग्राम पंचायतच्या निवडणुकीचे निकाल आता समोर येत आहेत, त्यामध्ये महाविकास आघाडीच्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस असो, काँग्रेस असो, शिवसेना असो, यांचे मोठ्या प्रमाणात त्यांनी आघाडी घेतलेली आहे। याच्यातून एक संदेश जातो, मधल्या काळामध्ये महिन्याभरापूर्वीच विधान परिषदच्या निवडणुका झाल्या, त्या विधान परिषदच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा एक संदेश त्यांनी वितरणवेळा संपूर्ण महाराष्ट्र देशामध्ये गेला, तशाच प्रकारचा संदेश त्यांनी वितरणी या निवडणुकीमध्ये वितरण जातो। महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस पक्ष असो, राष्ट्रवादी असो, शिवसेना असो, अतिशय चांगल्या पद्धतीनं समन्वय ठेवून ज्या पद्धतीने काम करते आहेत, त्याच्याचमुळे या पद्धतीचे निकाल विधान परिषदमध्ये आणि ग्रामपंचायतमध्ये आलेले आहेत आणि पुढील काळातसुद्धा याच पद्धतीचे निकाल प्रत्येक निवडणुकीत येतील। आणि यामध्ये आमचं सरकार त्या निमित्तानं 5 वर्ष नाही, त्याच्यापुढे सुद्धा एकत्र राहून चांगल्या पद्धतीने ठामपणे काम करते आहे। जे विरोधी पक्ष जे मुंगेरीलालचे स्वप्न गेल्या अनेक वर्षापासून अनेक महिन्यापासून पाहत आहेत, हे स्वप्न पाहणं त्यांनी सोडून दिलं पाहिजे। मुलक ने इस जीत का श्रेय ग्रामीण भागों के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर भरोसा जताने के लिए मतदाताओं का आभार भी माना है। कांग्रेस की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार कांग्रेस ने 83, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने 14, शिवसेना ने 5, भारतीय जनता पार्टी ने 25 और निर्दलियों ने 2 ग्राम पंचायतों पर विजय प्राप्त की है। आज नागपूर जिल्ह्यामध्ये 130 ग्राम पंचायतींचा मतमोजणी आताही अजून अंतिम टप्प्यामध्ये आहे। जवळपास 90% निकाल जाहीर झालेले आहे आणि ज्या पद्धतीची काँग्रेस पक्षाने घोडदौड जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये एक हाती सत्ता प्राप्त करून केली, त्यानंतर महाविकास आघाडीचं सरकार राज्यामध्ये स्थापन झालं, आत्ताच अभिजित वंजारी यांच्याही निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडी निवडून आली, तशाच पद्धतीने आज नागपूर जिल्ह्यामध्ये 130 ग्रामपंचायतींच्या निकालामध्ये जवळपास 90 जागी काँग्रेस पार्टी ही निवडून आलेली आहे आणि एक जबरदस्त निकाल या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतमधल्या असणाऱ्या मतदारांनी काँग्रेस पक्षाला दिला असल्यामुळे तमाम जिल्ह्यातले नेते, आमचे पालकमंत्री नितीन राऊत साहेब, आमचे दुसरे मंत्री सुनील केदारजी, नानाभाऊ, आमचे जिल्हा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आमचे सर्व तमाम आमदार, या सर्व लोकांनी प्रचंड मेहनत केली आणि आम्ही सर्वजण एकत्रित होतो, एकत्रित राहून ही निवडणूक लढलो। हरेक ग्राम पंचायत मध्ये काँग्रेस एकत्रित राहून निवडणूक कशी लढू शकते। इधर भाजपा ने जिले की 129 में से 73 ग्राम पंचायतों पर जीत का दावा किया है। जिलाध्यक्ष अरविंद गजभिये ने दावा किया है कि 65 ग्राम पंचायतों पर स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा को जीत हासिल हुई और 8 ग्राम पंचायत पर निर्दलीय की मदद से सत्ता हासिल हुई है। इस तरह 73 ग्राम पंचायत पर भाजपा ने जीत हासिल कर एक बार फिर अपना वर्चस्व साबित कर दिया है। उन्होंने बताया कि कुल 1196 सदस्यों के चुनाव में 652 सदस्य भाजपा के चुने गए हैं। महाविकास आघाड़ी को ग्रामीण जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। या ग्राम पंचायतच्या निकालाचं वैशिष्ट्य असं आहे की यामध्ये महाविकास आघाडीचं यश हे खूप मोठे आहे। जे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांना मिळून किती जागा मिळाल्या एकंदर, हे पाहता 80% जागा या महाविकास आघाडीच्या पक्षांना मिळालेल्या आहेत। महाविकास आघाडीवर जनतेनं एक विश्वास दाखवलेला आहे आणि आमचं जे काम आहे वर्षभर किंवा वर्षाच्या जास्त कालखंडामध्ये जे काही निर्णय आम्ही घेतले आहेत त्याच्यावर लोक समाधानी आहेत असं मला स्पष्टपणे यामध्ये दिसतं आहे। काँग्रेस म्हणून विचार करत असताना
कोल्हापूर, नंदुरबार, लातूर, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया, उस्मानाबाद, वाशिम, बुलढाणा या 13 जिल्ह्यांमध्ये आतापर्यंत निकाल आला. काँग्रेस हा एक नंबरचा पक्ष राहिला आहे. भाजपा ने काटोल 20 की 22 ग्राम पंचायतों में से 11 पर, कामठी के 19 में 13, रामटेक में 20 में से 9, उमरेड के 41 में से 34 ग्राम पंचायतों, हिंगना की 6 सीटों पर जीत का और उन्हीं में से दर्जन भर ग्राम पंचायत में निर्दलियों के साथ मिलकर सत्तासीन होने का दावा किया है. गजबिये ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुए के विकास कार्यो को जिले की जनता ने जीत के रूप में उपहार दिया है. कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक 5 से BC News नागपुर.